सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड कप। आज बहुत ही ज़्यादा क्रूशल मैच था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, और क्या ही कोई कमाल फॉर्म जा रही है इंडिया की। टोटली टोटली फ्लॉलेस ट्रेमेंडस फॉर्म है उनकी, और क्या वो परफॉर्मेंसेज दे रहे हैं एंड अपने आप को बेहतरीन साबित कर रहे हैं कि वो वर्ल्ड कप जीते हैं। और अब तक की अनबीटन टीम जा रही है, अगर कोई वर्ल्ड कप में है तो वो इंडिया है। एंड दे ट्रूली डिजर्व, बिकॉज उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग, उनकी फील्डिंग तीनों एस्पेक्ट्स में दे आर डूइंग वंडर्स। और जिसको भी चांस मिलता है वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे देता है, जिसको भी चांस मिलता है वो रन कर देता है। तो अभी बहुत ही खैर अच्छी फॉर्म जा रही है इंडिया की, और है कि रोहित शर्मा ने जिस तरह से आज खेला है, आज खैर गिल भी जल्दी आउट हो गए थे। वेल, गिल के लिए थोड़ा सा सवाल निशान है, बिकॉज आई थिंक दो तीन मैचेस में तो वो खेले नहीं थे बिकॉज ऑफ डेंगू, और इसके बाद फिर वो इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। आई अंडरस्टैंड के डेंगी फीवर से थोड़ा सा रिकवर करना मुश्किल होता है, काफ़ी वीकनेसेस आ जाती हैं, बट आई थिंक वो फुल फिट होंगे तभी उन्हें प्लेइंग 11 में रखा गया है, बट अभी तक वो डिलीवर नहीं कर सके हैं। बट नथिंग टू वरी अबाउट फॉर टीम इंडिया, बिकॉज बाकी सारे हैं उस कमी को कवर अप करने के लिए। बट आज खैर गिल भी आउट हो गए थे, कोहली वेंट ऑन डक, तो और क्या थोड़ा सा गलत शॉट खेला था कोहली ने, और इस तरह के शॉट्स कोहली की जो क्लास है उसको डिफाइन नहीं करते, और थोड़ा सा खैर आई वाज एस्टोनिश्ड। बट वही बात है कि कोहली द चेज मास्टर, और है कि अगर चेज होता तो कोहली भाई साहब खड़े रहते, बट या जब टारगेट देना था तो भी उन्हें खड़ा रहना चाहिए था। बट वही बात है कि ये चीज़ इतना ज़्यादा मैटर नहीं की। ऑल्सो इंडिया ने बैटिंग, मैं कहूँगी कि एक तरह से फ्लॉप ही चली, बिकॉज रोहित शर्मा ने किया, आई थिंक कुछ सूर्य कुमार यादव ने कुछ 49 रन स्कोर किए थे, और इसके अलावा केएल राहुल ने भी अच्छी पार्टनरशिप लगाई थी रोहित शर्मा के साथ। बट है कि इंडिया की टीम जस्ट 229 रन ही बना सकी, और 9 विकेट खो दी थी उसने, बट यह है कि 50 ओवर उन्होंने पूरे खेले थे। बट इंग्लैंड की जब बैटिंग की बारी आई तो पता नहीं इंग्लैंड को तो हो क्या गया है, क्या फॉर्म बेचारों की चल रही है। देख के खैर अफसोस भी होता है, दे आर डिफेंडिंग चैंपियंस और आई थिंक सबसे लास्ट है वो, अब मेरे ख्याल से इस डिफीट के बाद वो सबसे लास्ट में आ गए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा एक है कि फिक्र की बात है इंग्लैंड क्रिकेट के लिए, क्योंकि दे आर डिफेंडिंग चैंपियंस और बहुत अच्छी टीम है। जैसे मैंने पहले भी बात किया था कि कोई लूप होल मुझे नज़र नहीं आ रहा था, एंड दे वर द स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स के जो वर्ल्ड कप जीत सकते थे, वन ऑफ दोज कंटेंडर। तो खैर पता नहीं क्या हुआ है इंग्लैंड की टीम को, पता नहीं, मुझे तो लगता है कि बाबर आजम और जॉस बटलर दोनों एक साथ ही बैठे थे जब कैप्टन्स मीटिंग हुई थी, तो कुछ नज़र, कुछ तंत्र मंत्र, कुछ कुछ तो हुआ है भाई जो हमारी परफॉर्मेंस चल रही है। खैर अल्लाह का शुक्र है हम तो दो मैचेस जीत चुके हैं, अब अल्लाह करे आगे भी हम जो बच्चे कुछ हमारे मैचेज हैं उसको जीत जाए इंशाल्लाह। बट है कि बेचारा इंग्लैंड तो कुछ भी नहीं जीत सका, अपसेट भी हो गया, इसके बाद भी देखा नहीं जाता है, इतने अच्छे प्लेयर्स हैं, जॉस बटलर हो गए, जो है रूट वन ऑफ जो है कि ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ मॉडर्न इरा, जो है रूट भी है कि कुछ नहीं कर सके। इंग्लैंड की जो टीम ने 200 क्रॉस नहीं किया है पिछले चार मैचेस में, आई थिंक 290 कुछ उन्होंने बनाया था जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेला था, इसके बाद से 200 क्रॉस नहीं कर सके वो, तो ये बहुत ही बड़ा है कि बहुत बड़ा कंसर्न है इंग्लैंड के क्रिकेट के लिए कि क्या गलत जा रहा है। एक आधा दिन चलो हर बड़ी टीम का बुरा होता है, बट इतने बुरे दिन और कॉन्सिस्टेंटली इतनी बुरी परफॉर्मेंस कि 200 टच नहीं हो रहा है आपसे, तो ये खैर बहुत ज़्यादा फिक्र की बात है वर्ल्ड क्रिकेट के लिए भी। और एक और भी खैर बाद में भी देख रही थी कि इस वर्ल्ड कप में जो टॉप 8 टीम्स होगी वो आने वाली चैंप्स ट्रॉफी के लिए डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाएंगी। डायरेक्टली क्या मतलब, चैंप्स ट्रॉफी वैसे भी 8 टीम्स के दरमियान होती है, तो जो टॉप 8 टीम्स होंगी वही चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगी, अल्लाह करे। खैर हम भी हमारे आई थिंक अभी हम छठे पोजीशन पर हैं, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह है कि आगे के हम अपने दोनों मैचेस जीत जाएँ, दो हैं या तीन मैचेस हैं, तीन मैचेस हम जीत जाएँ तो फिर है कि इंशाल्लाह हम फिफ्थ या सिक्स पेंट करेंगे, तो इंशाल्लाह हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए है कि डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाएंगे। बट इंग्लैंड के लिए तो वो भी मसला है, खैर इंग्लैंड का हमसे मैच है, और हमसे मतलब इस तरह की टीमों का दर्द नहीं देखा जा सकता, आप सबको पता ही है कि हम कितनी दर्दमंद कौम हैं और सबका कितना ख्याल रखते हैं, तो हमसे है ना इंग्लैंड का दर्द तो नहीं देखा जा रहा, बट है कि लास्ट में मैच है इंग्लैंड का हमसे, तो ना उनको कोई फ़ायदा होगा ना हमें कोई फ़ायदा होगा अगर हम उनको दे भी देंगे फॉर्म, बट यह है कि वो जाते जाते खुश हो जाएंगे अगर हम उनको फॉर्म दे रहे थे, बट हमें नहीं देनी है क्योंकि हमें भी अब है कि टॉप 8 में फिनिश करना है, अगर तो हमारा कुछ 19-20 हुआ, क्योंकि न्यूजीलैंड भी बहुत अच्छी फॉर्म में जा रही है भाई, देखो कल कितना अच्छा चेस करके ऑलमोस्ट उन्होंने चेस कर लिया था, और इंग्लैंड है कि थोड़ी सी लो है, बस वही बात है कि हमारा दर्दमंद दिल उनके
सामने ज़रा झुक ना जाए उनकी मोहब्बत में, तो है कि सही सब सही जाएगा। और बांग्लादेश से भी इंशाल्लाह अल्लाह करे कि हम जीत जाए, तो टॉप 8 में हमें फिर फिनिश करना ज़रूरी है, वरना थोड़े से मसाइल होने वाले हैं। और आई थिंक और भी कुछ है कि जिसने पता नहीं टॉप 8 में फिनिश नहीं किया तो उसको अगले वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर्स भी खेलने पड़ेंगे, ऐसा भी कुछ है, आई डोंट नो एग्जैक्टली। बट खैर ये बड़ी ही कंसर्न की बात है इंग्लैंड के लिए कि फिर अगर तो वो टॉप 8 में फिनिश नहीं करती है तो है कि उसे फिर क्वालिफायर्स खेलने पड़ेंगे एसोसिएट टीम के साथ। तो ये थोड़ा सा एम्बैरसिंग है, एक ऐसा मुल्क इंग्लैंड जैसा मुल्क जिसने क्रिकेट को ईजाद किया है, इंग्लैंड जो क्रिकेट ईजाद हुई है, जो क्रिकेट है कि बॉर्न हुई है वो इंग्लैंड में हुई है, लॉर्ड्स में हुई है, और उन्हीं की टीम डिफेंडिंग चैंपियंस होते हुए इतनी बुरी परफॉर्मेंस, तो खैर दिल जलता है। बट अगले जो है कि ऑन दी अदर हैंड जो इंडिया ने खेला, इंडिया को भी प्रेस करना ज़रूरी है, किस तरह की बॉलिंग परफॉर्मेंसेज दे रहे हैं इंडिया के बॉलर्स, आउटस्टैंडिंग, ट्रिमेंडस, फ्लॉलेस, और बहुत ही वही है कि बाबर आजम कहते हैं ना कि आपको जो बैट्समैन मैचेस जितवाते हैं और टूर्नामेंट आपको जो आपके पेसर्स हैं वो जिता के देते हैं, तो ये इंडिया क्लियरली शो कर रहा है। और इंडिया की बॉलिंग लाइनअप ने किसी को भी अपने आगे 300 नहीं करने दिए हैं इस वर्ल्ड कप में, तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, वो भी ऐसी भी जिस पे जहाँ पे हर टीम 400-400 कर रही है, हर टीम 350 तो यूँ कर लेती है, लेकिन इंडिया की बैटिंग लाइनअप ने किसी भी टीम को 300 क्रॉस नहीं करने दिया है, तो दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। और आज भी खैर ऑलमोस्ट है कि इंग्लैंड को जीतना चाहिए था ये मैच, क्योंकि 229 शुड हैव बीन चेज, बट जिस तरह की बॉलिंग की है शामी ने, जिस तरह की बॉलिंग बुमराह ने की है, और फिर कुलदीप यादव ने कहा मैं क्यों पीछे रहूं, जडेजा ने भी एक आधी कुछ विकेट ली तो उन्होंने बोला मैं क्यों पीछे रहूं, यानी हर कोई स्टेप अप कर रहा है और हर कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे रहा है। आज के मैच के खैर मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा को दिया गया, बिकॉज क्या ही कोई उन्होंने खूबसूरत इनिंग खेली है, हालांकि आज थोड़ी सी स्ट्राइक रेट के मुकाबले में उन्होंने कम मतलब उनका स्ट्राइक रेट है कि कम था, आई थिंक 80 था उनका, 80-85 स्ट्राइक रेट, क्योंकि है कि यक के बाद दिगरे विकेट्स गिर गई थी और के राहुल के साथ उन्हें फिर है कि पार्टनर लगानी थी, दैट्स व्हाई वो थोड़ा सा निस्बतन स्लो खेल रहे थे, इतना ज्यादा स्लो नहीं बट निस्बतन स्लो खेल रहे थे। और इसके बावजूद भी क्या उन्होंने शॉट्स लगाए हैं, क्या ये बंदे की टाइमिंग है, ग्रेट प्लेयर है, ग्रेट। मैं कहती हूँ कि कोहली को सब ज्यादा है कि हाईली रेट करते हैं, बट ही इज अ मैन कि ये जब फॉर्म में होता है और जब ये खड़ा हो जाता है ना तो फिर बस इसके सामने किसी बोले कि एक इंच भी नहीं चलने वाली, और ऐसे एफर्टलेसली छक्के मारता है बंदा, हर कोई मारता है बट एफर्टलेसली, लगता ही नहीं कि कोई एफर्ट लग रही है, बस यूं बैट रखा छक्का, यूं बैट रखा चौका, खैर माइंड ब्लोइंग। और दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव ने भी खैर 49 रन स्कोर कर दिए, आई थिंक हार्दिक पांड्या आज भी नहीं खेल रहे थे और हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट के तौर पर आए, मतलब वही बात है कि परफॉर्मेंस का आलम देखें आप कि जो है कि इंजर्ड खिलाड़ी की जगह पे आ रहा है या जो कोई ऐसे, क्योंकि मोहम्मद शामी भी प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे शुरू के 2-3 मैचेस में, बट जब से है कि उन्हें न्यूजीलैंड वाले मैच में आई थिंक उन्हें रखा गया तो है कि वो मैन ऑफ द मैच हो गए। आज के मैच में भी 4 विकेटें लिए हैं, यानी 9 विकेटें उन्होंने ले ली हैं 2 मैचेस में, सो ट्रिमेंडस 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 एफर्ट बाय देम। एंड वही बात है कि लग रहा है कि इंडिया खैर डिजर्व भी करता है इंडिया, अनटिल और अनलेस कोई, वही बात है कि नॉकआउट स्टेज पर जाकर कुछ ऐसी हरकत ना हो जाए इंडिया के साथ, बट है कि अगर तो ऐसा कुछ नहीं होता तो इंडिया इज क्लियरली विनिंग दिस टूर्नामेंट एंड दे ट्रूली डिजर्व, ऐसी बात नहीं है, ये डिजर्व करती है ये टीम, और बहुत ही है कि अच्छा खेल रही है ये टीम जो है और डिजर्व करते हैं। रोहित शर्मा बहुत अच्छी फॉर्म में है, के राहुल भी बहुत अच्छी पार्टनरशिप्स लगाते हैं, और वही मैं कहती हूँ कि भाई नॉन स्ट्राइकर एंड पे भी कोई आपके साथ खड़ा होना चाहिए, और फिर भी खैर इतनी है कि केएल राहुल के साथ कुछ पार्टनरशिप लगी थी रोहित शर्मा की, और आई थिंक स्काई के साथ लगी थी, बट इसके अलावा फिर कोई और नहीं चल सका, तो है कि फिर बॉलर्स ने ओवरकम कर लिया है, मतलब 229 तो है कि ईजिली ईजिली चेस किया जा सकता था इंग्लैंड की साइड के बारे में बात कर रही हूँ, बट जिस तरह से बॉलर्स ने बॉलिंग है, जो LBW जो बोल्ड मारे हैं वो ट्रिमेंडस था मैन, और बहुत ही खैर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है इंडिया की, और इंडिया इज लुकिंग के भाई इंडिया इजीली विन कर सकता है वर्ल्ड कप, बिकॉज दे आर अनस्टॉपेबल, बिकॉज उनके सारे प्लेयर्स ही फॉर्म में हैं, अनटिल और अनलेस कोई, जैसे कि मैंने कहा कि कोई ऐसे मेजर नॉकआउट में ऐसी कोई हरकत ना हो जाए इंडिया के साथ, वरना तो खैर दे आर क्लियरली विनिंग द टूर्नामेंट एंड दे ट्रूली डिजर्व। आई थिंक अगर तो कोई टीम डिजर्व करती है तो वो इंडिया है, न्यूजीलैंड भी खैर बहुत अच्छा खेल रही है, और ऑस्ट्रेलिया
लिए अभी जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने कम बैक किया है, अगर तो ये नॉकआउट में पहुंच जाते हैं ना, फिर ये किसी को जीतने नहीं देते। तो खैर अब आगे के मैचेस इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। कल का मैच भी बहुत इंटरेस्टिंग था। इससे पहले का जो पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच था, जो पाकिस्तान लूज कर दिया, वो भी खैर बहुत इंटरेस्टिंग था। तो अब हाइप बन रही है और वर्ल्ड कप की, और हमारा तो खैर वर्ल्ड कप खत्म हो गया, बट स्टिल है कि अब वर्ल्ड कप की हाइप बन रही है और है कि अच्छे मैचेस हो रहे हैं। आज का तो खैर अगेन वन साइडेड हुआ, बट स्टिल जो बॉलिंग एफर्ट थी ना इंडिया की, मैंने जो मेरी विकेट सॉरी जो मेरी वीडियोस फॉलो करती हूँ उनको पता होगा कि मुझे फास्ट बॉलिंग, इस तरह की फास्ट बॉलिंग मुझे बहुत पसंद है और मैंने बहुत इंजॉय किया इंडिया की फास्ट बॉलिंग को। तो खैर कॉन्ग्रेचुलेशन टू इंडिया, एंड आई डोंट नो क्या हो गया इंग्लैंड की टीम को और किस क्या वजूहत है इंग्लैंड की इस तरह की परफॉर्मेंस पे, उस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। बट वही बात है कि जरा थोड़ा सा वक्त मिले इंशाल्लाह तो उस पर हम ज़रूर बात करेंगे। बांग्लादेश की परफॉर्मेंसेस इतनी डेक्लाइन क्यों हैं, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में है कि डेक्लाइन की वजह क्या है, इंग्लैंड की क्यों इस तरह की परफॉर्मेंसेज हो रही है, और क्या वजह है कि अफगानिस्तान की टीम, नीदरलैंड की टीम, दे आर इमर्जिंग और वो एक अच्छी टीम बन के उभर रही हैं वर्ल्ड क्रिकेट में। तो इन सब पे इंशाल्लाह बात होगी और जल्दी होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।